डॉक्टर जी, शादी के पहले मुझे कुछ पुरुषों से लैंगिक संबंध था, तब दो बार गर्भस्राव भी कराया। अब मुझे शादी होकर 2 साल हुए, हर रोज सेक्स में भाग लेती हूँ, गर्भ तो आई नहीं, ऐसा क्यों? कुछ महिलाएं शादी के पहले भी वे सेक्स में भाग लेती हैं, गर्भ तो रान रख ही नहीं सकते, इसलिए क्या करती है, एबॉर्शन कराती, पिल्स लेती है, डीएन से कराती है, सब कुछ कुछ ना कुछ कई प्रकार के टेक्निक्स हैं। मेडिकल डिटरमिनेशन प्रेगनेंसी, गोली खाने से भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, डीएनसी करने से भी प्रेगनेंसी निकाल दे सकते हैं, गर्भस्राव हो जाता है। इस प्रकार करने से कुछ महिलाओं में उस समय इन्फेक्शन एंटर होता है, ये फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं, अंड प्रयाण करने के लिए क्या होता है, ट्रैवल होने के लिए वो ब्लॉक हो जाते हैं जी, इन्फेक्शन वजह से फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक, अंडवाय का ब्लॉक बंद हो जाते हैं, तब उनको मालूम नहीं होता ये ऐसा बंद हो गया। लेकिन जब शादी होते हैं कि हर रोज सेक्स में भाग लेने पर भी गर्भ नहीं आएगा, क्योंकि गर्भस्राव की वजह से अंड का ट्रैवल करने के जो ट्यूब्स होते हैं आज ट्यूब ब्लॉक हो गए हो जाते हैं, ब्लॉक होने से काफ़ी सभी को नहीं कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ महिलाओं में ऐसे होते हैं तब होते हैं, इसलिए उसको क्या स्टोसाल्पिंगोग्राम एक प्रकार का एक्सरे होता है, उसको निकाल लेने से अंड के कई क्यों क्या कारण है, क्या ये फिलोपियन ट्यूब ठीक है या बंद हो गए, अंड प्रयाण करने के सफ़र करने के लिए ठीक है या नहीं, बंद हो गया क्या, ब्लॉक हो गया, ऐसा समझ में आई कि उस प्रकार चिकित्सा करने से फिर ठीक हो जाएंगे, बच्चे पैदा होंगे, डॉक्टर को दिखा करके अब उनका सही जांच करके क्या करना है करेंगे। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल, ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి।